चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, जहां हम आपको बता दें कि प्रथम चरण के परिणामों का परिणाम अब धीरे धीरे तस्वीरें साफ कर रहा है। जिस तरीके से मतगणना होती जा रही है, परिणाम भी सामने आते जा रहे हैं और जनता कहीं हाथ का साथ दे रही है, कहीं जनता को हाथ का साथ मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कमल फूल खिला रहा है अपना। जनता का कहीं कमल पर भरोसा ज़्यादा दिख रहा है, कहीं कमल का समर्थन मिल रहा है, तो कहीं कांग्रेस को जनता का हाथ मिलता नजर आ रहा है। और इसी के साथ सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है और वहाँ की रानी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशियों को दरकिनार करते हुए ये बड़ी जीत आम आदमी पार्टी के लिए, जहां उन्होंने जीत हासिल कर ली है और एक बार फिर वहां पर आम आदमी पर जो पार्टी है, जो देखी जा रही थी बढ़त जब से मतदान मतगणना शुरू हुई है, तब से ये बढ़त देखी जा रही थी और अब उनकी जीत तय हो चुकी है। आपको बता दें कि सिंगरौली से हम ये बता रहे हैं, जहां पर रानी ने जीत हासिल कर ली है, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं जिन्होंने जीत हासिल कर ली है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता प्रदीप खंडेलवाल, उनसे ही हम जान लेते हैं कि आखिर किस तरह की खुशी। प्रदीप जी, बहुत स्वागत आपका और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर परचम लहरा दिया सिंगरौली में। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सिंगरौली में परचम लहराना ही था, लेकिन ये परचम लहराया नहीं है एक तरीके से, इसे हम सिर्फ जो है मध्य प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज दिखा रहे हैं। और शुरू से चूंकि कई डिबेट में मैंने कई चैनलों पर जब भी बात हुई है तो उनसे हर बार यही बात हुई है कि भाई इस बार हम सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और उस उपस्थिति दर्ज में आप देखिए कि हमारी सिंगरौली की श्री रानी अग्रवाल जी ने अच्छी बढ़त लेके चल रही है और कई पार्षद भी वहाँ बढ़त में हैं। और मध्य प्रदेश में जो है लगभग 11 के आसपास पार्षद हमारे जो है जीत की ओर अग्रसर हैं। जी जी प्रदीप जी, जिस तरीके से अब सिंगरौली में चूंकि अब आम आदमी पार्टी या आप बोले उसका अब परचम लहरा चुकी है रानी, और आपको बता दें कि इसी के साथ अगर हम प्रदेश की बात करें तो जिस तरीके से ये परचम अब लहरा चुका है सिंगरौली में, अगर हम बात करें सिंगरौली में, तो क्या प्रदेश को आप कैसे देखते हैं? क्या प्रदेश में भी इस तरह का परचम लहरा पाएगी आम आदमी पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। चूंकि ये क्या है, शुरुआत थी आम आदमी पार्टी की, पहला ही चुनाव है नगरी का। और दूसरा क्या है कि कुछ जो है हम जो हमारी जो दिल्ली सरकार की गतिविधियां और जो जनहितैषी योजनाएं हैं उसे आम जनता तक कहीं ना कहीं पहुंचाने में अभी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए हैं। जैसे जैसे जनता को पता चलेगा कि दिल्ली सरकार की जो जनहितैषी योजनाएं हैं और इतने अच्छे तरीके से वो जनता के लिए काम कर रही है, जैसे जैसे जनता को धीरे धीरे पता चलता जाएगा तो वो आने वाला समय जो है बिल्कुल पंजाब और दिल्ली की तरह मध्य प्रदेश भी क्लीन स्वीप करेगा। आप देखिए जब भी आम आदमी पार्टी जब कदम रखा है तो या तो जो है बिल्कुल आपको जीरो पे नजर आती है और या फिर जो है बिल्कुल क्लीन स्वीप मारती है पंजाब की तरह दिल्ली की तरह। और मध्य प्रदेश में भी आने वाले जो 2024 के चुनाव हैं उसमें हम निश्चित रूप से क्लीन स्वीप मारेंगे और उसके लिए हमारी तैयारी, ये हमारे लिए एक लेसन था पार्षद चुनाव का, नगरीय निकाय चुनाव का। अब उसके बाद हम जो है अपने आप को संगठित करके और तरीके से काम करके और हम 24 के चुनाव में क्लीन स्वीप की तैयारी करेंगे मध्य प्रदेश की भी। जिस तरीके से हमने देखा कि सिंगरौली में तो परचम लहरा दिया आम आदमी पार्टी ने, लेकिन जो बड़े शहर हैं, बड़े शहरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब तक आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है, क्या कारण है इसके? देखिए सबसे बड़ी चीज़ अगर अपन भोपाल की बात कर लें तो भोपाल में जो है हमने शिकायत भी दर्ज कराई थी निर्वाचन आयोग को, चुनाव निरस्त करने की मांग भी की थी। देखिए ईवीएम मशीन जो है ये शुरू से आप देख रहे हैं कई बार जो है इसके अंदर छेड़खानी संभव है, सॉफ्टवेयर है इसमें बदलाव किया जा सकता है। चुनाव आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश में कहीं भी वीवीपैट नहीं लगाए गए। एक सिंगरौली आप छोड़ दीजिए, सिंगरौली तो स्थिति ये थी कि रानी जी जो है पिछले बार भी बहुत कम उनके मतों से वो हारी थी विधायक का चुनाव, तो निश्चित तौर पे उनकी बढ़त वहाँ पे उनका काम बहुत शानदार था तो वो उसको बढ़ा के लेके गई हैं अपने तरीके से। लेकिन बाकी आप देखिए कि भोपाल भर में आप वोटिंग का परसेंटेज आया 43-44% के आसपास वोटिंग हुई, मतदाता भटकता रहा है, मतदाताओं को जो है वोट डालने की जगह नहीं मिली है जानबूझे जो है शासन के द्वारा। देखिए दो जगह आपको अभी भी आप पूरा देखेंगे एनालिसिस करेंगे तो मध्य प्रदेश में दो जगह जहां सिंगरौली जहां अरविंद जी सभा करके गए थे वहां जो जलसैलाब उमड़ा था उसके उमड़ने के बाद
भोपाल और आपका सिंगरौली, दोनों जगह आप देखिए कि वोटिंग परसेंटेज बहुत नीचे रहा है, और नीचे रहने का मेन कारण है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी करने की पूरी कोशिश की गई थी, जो भोपाल में कामयाब हो गई। और भोपाल में आधे से ज़्यादा मतदाता जो है परेशान होता रहा, चुनाव में अपना मतों का उपयोग नहीं कर पाया। और दूसरा जो है आपका जो VVPPAT थे वो एकमात्र EVM मशीन के लिए, वो एक सच्चाई दिखाते थे कि जब आप जो है EVM मशीन कहीं आपको गड़बड़ लगती है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में कहीं आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा कि जहां आप चैलेंज करके ये कह सकें कि आपने EVM मशीन में छेड़खानी करी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को कहीं भी छेड़खानी करके कुछ भी किया जा सकता है, ये संभव है और पूर्व में भी ऐसा हो चुका है। और शायद यही एक बड़ा कारण है कि जो भोपाल में भी दिक्कतें आई हैं, और दूसरा लोग जो अपना वोटों का प्रयोग नहीं कर पाए उसके कारण भी काफ़ी समस्याएं क्रिएट हुई हैं। हो सकता है शायद वो जो 20-25% मतदाता जो वंचित रह गए हैं उनके वोट शायद जो है आम आदमी पार्टी की तरफ आते हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो पूरी हुई है और एक सबसे बड़ा कारण ये भी है इसका। बिल्कुल, हमारे साथ स्टूडियो में महेंद्र शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी, सिंगरौली में जीत हासिल की है आम आदमी पार्टी ने, कैसे देखते हैं आप इसे? जीत निश्चित तौर कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा को पछाड़ दिया है। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो सरकार को सोचने पे कुछ न कुछ तो मजबूर होना पड़ेगा कि एक आम आदमी पार्टी ने अपनी एक जगह बनाई है, और अगर जगह अभी एक जगह बनाई है तो आगे भी उसकी बढ़ने की संभावनाएं निश्चित तौर पे हैंगी जी, निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगी जो हैगा, जैसे कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैगा आम आदमी पार्टी तरफ रुझान हैगा। आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं कमजोरी रही कि जो इनने टेम्पो शुरू शुरू में बनाया था वो टेम्पो इनका बीच में कहीं कमजोर हुआ जो हैगा, जिससे प्रत्याशी पहले बहुत प्रत्याशी इनकी मेहनत कर रहे थे, लेकिन बीच में किन्हीं कारणों से जो भी संगठन का इनका हो तो उसकी वजह से इनको बढ़त तो मिल रही है, लेकिन जिस हिसाब से इनको मिलना चाहिए वो सफलता नहीं मिल पाई जो हैगा। और आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली में जीत दर्ज कराई तो निश्चित ने कहीं ना कहीं सरकार को सोचने को मजबूर किया है। बिल्कुल, सिंगरौली में जनता ने ना तो कमल का फूल खिलाया और ना ही हाथ का साथ दिया, जनता ने विकास का साथ दिया और आपको अपना लिया। निश्चित तौर पे आज का आम आदमी इस चीज को जानता है कि कौन विकास कर सकता है, उसके हिसाब से उन्होंने उनको चुना। अभी तक मध्यप्रदेश में कोई विकल्प नहीं था, आम आदमी पार्टी एक नया विकल्प बन रही है, क्योंकि BJP और कांग्रेस के अलावा दूसरा विकल्प मध्यप्रदेश में कोई अभी तक था नहीं, तो अगर आ रही है तो कहीं ना कहीं विकल्प के रूप में मध्यप्रदेश में देखा जाएगा इसको। चलिए मैं बात कर लेती हूँ अब आप नेता से ही, प्रदीप खंडेलवाल जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में जब नामांकन भरे थे उससे पहले ही नामांकन के बाद नाम वापस ले लिए थे आम आदमी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने, अगर नाम वापस नहीं लेते तो शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वो अपना परचम लहरा पाते। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके की महापौर नाम वापसी वाली घटना हुई तो वो एक जो है नुकसान करके गई है पार्षदों को, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो राजनीति में तो ऊंच नीच होती रहती है, सब चलता रहता है। और आने वाला समय जो है हमारा, हम आगे और ठोक पीट के काम करेंगे, देख सोच समझ के काम करेंगे, अच्छे कैंडिडेट हम लाएंगे जो नाम वापसी की तरफ कहीं वापस भी नहीं जाएंगे। तो ये बात तो सही है। अब देखिए, महापौर प्रत्याशी अगर होता तो आम आदमी पार्टी का जो बेसिक फंडामेंटल था यहाँ पे जो सबसे पहले दिया था उनने कि आपका संपत्ति कर जो है माफ हो जाएगा और कमर्शियल टैक्स हाफ हो जाएगा। अब महापौर ही अगर जनता को नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा तो नेगेटिव असर आया है उसका, लेकिन ठीक है, ये भी सब जो है राजनीति में, चूंकि क्या है कि शुरुआत है पार्टी की और पहला चुनाव है नगरीय निकाय का, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आने वाला 24 का समय हम दिखाएंगे कि पार्टी किस तरीके से बेहतर करेगी और किस तरीके से क्लीन स्वीप मारेगी जी। और झाड़ू तो झाड़ू ही है, आप भी समझती हैं कांति जी कि झाड़ू जो है घर की सफाई भी करती है और बाहर की गंदगी भी साफ करती है, और जनता को विकल्प चाहिए और विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी अपना विकल्प देने को आने वाले समय में पूरी तरीके से तैयार रहेगी जी।
प्रदीप जी, आपकी ही एक बात पर मैं चर्चा करना चाहूंगी कि जैसा कि अभी आपने कहा कि जो प्रत्याशी है, अच्छे प्रत्याशियों को हम मैदान में उतारेंगे, तो क्या आम आदमी पार्टी के पास अभी अच्छे प्रत्याशी नहीं थे जिसके चलते मतगणना के, मतलब कहना चाहिए कि जो नामांकन जिससे पहले ही नाम वापस लेना पड़ा? देखिए, प्रत्याशियों की तो वास्तविकता में कमियां रही है और अच्छे प्रत्याशियों की कमियां रही है। प्रत्याशी तो थे पार्टी के पास, लेकिन अच्छे प्रत्याशियों को सिलेक्ट करना कहीं ना कहीं एक दाव लगाने वाली स्थिति आती है कि नगरीय निकाय के चुनाव हैं और इसमें अच्छे प्रत्याशी हमारे आ जाए, दो चार छः सीट निकले ताकि हमारा वर्चस्व बढ़े, तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं उसमें जो है कुछ कमियां रह गई हैं, उसका उसको सुधार कर लिया जाएगा। चलिए, अगर हम इसी के साथ अब हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे बात कर लेते हैं, महेंद्र जी जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी, अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में अभी क्या रुझान चल रहे हैं? रुझान की मेरे ख्याल से अभी कांग्रेस की विभा पटेल 25,000 से आगे हुई थी। अब इस समय तो स्टूडियो में बैठा हूँ तो जो अभी रुझान तो यही था कि मालती राय पहले आगे थी, फिर उसके बाद विभा जी से 25,000 वोट से आगे हुई थी। अब अभी वर्तमान स्थिति में तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आगे पीछे का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें अंततः क्या परिणाम आते हैं वो देखने को मिलेगा। अभी तक का जो मेरे पास अभी डाटा था वो ये था कि 25,000 से आगे थी। अगर मैं आपके साथ जाना चाहूँ या कहें कि आम आदमी पार्टी के साथ जाना चाहूँ, जैसा कि अभी हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े हुए हैं जिन्होंने कहा कि उनके पास या आम आदमी के पास अच्छे प्रत्याशी नहीं थे जिसके चलते मैदान में नहीं उतार जा सके, इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूँगी। मैंने आपको पहले भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने जब पहली बार इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था नगरीय निकाय का, तो प्रत्याशी इनके पास आए, लेकिन वो प्रत्याशियों का बढ़िया अच्छा कार्यक्रम चल रहा था, उन्होंने बहुत मेहनत भी कर दी, लेकिन बीच में जो फिर गैप आया नगरीय निकाय का चुनाव का जो हैगा, उस बीच में संगठन में क्या इनका फेरबदल हुआ, क्या हुआ, तो वो जो उत्साह था आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों में वो उत्साह कम हुआ जो हैगा उसका भी, और फिर महापौर इनका बदला, उस चीज का खामियाजा भोपाल के अंदर तो निश्चित इनको मिलना आएगा, क्योंकि जो प्रत्याशियों का पहले दौर में जो प्रत्याशी इन्हें चुने थे, जो उनको कहा गया था, उन्होंने निश्चित तौर पर बड़ी मेहनत कर रहे थे जो हैगा, लेकिन इसके बाद जो दोबारा जो नगरीय निकाय चुनाव आए तो उस बीच का क्या हुआ है ये तो संगठन बता सकता है, लेकिन मेहनत तो कर रहे थे प्रत्याशी जो हैगा। अब वो आगे आने में फिर करेंगे, इनका पहला चुनाव हैगा तो इनको भी संगठन में भी अपने मजबूत करना पड़ेगा और प्रत्याशियों को भी बढ़ाना पड़ेगा, तब इनका काम आगे बढ़ेगा। चलिए, बीच बीच में दर्शकों को भी बताते जाते हैं कि क्या कुछ रुझान चल रहे हैं, क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम लगातार हमारे साथ बनी हुई है और पल पल के अपडेट हमें बता रही है जो हम आप तक, आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अभी बुरहानपुर में माधुरी पटेल जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं वो जीत चुकी हैं, महापौर प्रत्याशी बन चुकी हैं। इसी के साथ सतना में भी बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है और इसी के साथ हम अगर बात करें खंडवा की तो खंडवा में भी अच्छी खासी जीत भाजपा ने हासिल कर ली है। लगातार ये मतगणना के जो परिणाम है लगातार सामने आते जा रहे हैं। अगर हम बात करें बुरहानपुर की तो जहां शहनाज अंसारी उनको हराया हुआ है उन्होंने, और सिंगरौली चलते हैं जहां पर सिंगरौली में बड़ी जीत आम आदमी पार्टी ने हासिल कर ली है और उस जीत के चलते जिस तरीके से रुझान चल रहे थे, जिस तरह से देखने में आ रहा था कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, अब बता दें कि अरविंद सिंह कांग्रेस आम आदमी पार्टी की रानी अग्रवाल को 34,585 वोट मिले हैं, वहीं चंद्र प्रताप विश्वकर्मा को और अरविंद सिंह भी कांग्रेस से जीते हुए जिनको 2,530 वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी की रानी अग्रवाल जीत चुकी हैं और चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, अरविंद सिंह कांग्रेस को 2,533 वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी की रानी अग्रवाल को भी भारी मतों से जनता ने जिताया है और अरविंद सिंह कांग्रेस को भी 2,503 वोट मिले हैं। चलिए,
ग्वालियर एक बार फिर सिंगरौली में जिस तरीके से परचम लहराया है आम आदमी पार्टी ने, कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपना खाता खोल लिया है। चलिए सीधे चलते हैं और हम आम आदमी पार्टी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप जी, उनसे ही बात कर लेते हैं। प्रदीप जी, एक बार फिर देखा जाएगा मध्य प्रदेश में अब आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोल लिया है। देखिए, खाता तो खुला ही खुला है। सबसे बड़ी बात है कि उपस्थिति हमारी दर्ज हो गई है। जो उपस्थिति दर्ज हम कराने के लिए शुरू से प्रयासरत थे, वो हमारा प्रयास सार्थक हो गया। राह सवाल दूसरी बात, अभी जब आप कह रहे थे कि आपके पास कैंडिडेट अच्छे कैंडिडेटों की कमी थी क्या, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सिर्फ आम लोगों की पार्टी है। पंजाब में भी आपने देखा कि मोबाइल रिपेयरिंग वाला जो है किसको कैसे हरा रहा है। बड़े बड़े दिग्गजों को हमारे छोटे छोटे लोगों ने हराया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जो है कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करके और आने वाले चुनाव में आपको दिखेगा कि हम इससे भी ज़्यादा वर्चस्व में आएंगे। और अभी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं रानी जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी जीत के ऊपर। बिल्कुल, अब तो आम आदमी पार्टी ने खाता खोल ही दिया है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अपने पैर जमा लिए हैं कहा जाए आम आदमी पार्टी ने। तो अब चूंकि सिंगरौली में जीत हासिल कर ही चुकी है भाजपा, तो अब आगे के क्या कुछ मुद्दे होंगे, सबसे पहले किन मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा और किन पर सबसे पहले फोकस होगा? देखिए, सबसे पहला फोकस तो बेसिक हमारा यही था। दिल्ली सरकार से जब हमारे तत्कालीन प्रभारी जी आए थे, गोपाल राय जी, तो उन्होंने एक ही चीज बोली थी। उनने ये कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, शहर सरकार बनती है, तो हम संपत्ति कर को माफ़ करेंगे और कमर्शियल टैक्स को हाफ देंगे। तो ये एक बड़ी चुनौती हमारी रानी जी के लिए सबसे पहला रहेगा कि कमर्शियल टैक्स को उनको हाफ करना है और संपत्ति कर को उनको माफ़ करना है। और जनता को कहीं ना कहीं, देखिए आप, दिल्ली में हम जो राहत दे रहे थे, 200 यूनिट बिजली की दे रहे थे, महिलाओं को बस यात्रा की दे रहे थे, और 1 रुपए से 1 करोड़ रुपए का इलाज आप करा लीजिए, आपको कोई किसी आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता नहीं है, आम आदमी कोई भी जाके करा सकता है, बेहतर स्कूल आपको वहाँ दिल्ली सरकार ने दिए, और भी कई सुविधाएं जो दिल्ली सरकार दे रही थी। और ये सबसे बड़ी चीज़ एक और है कि आज जो है मध्य प्रदेश में थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं हमसे कमी रह गई है, लेकिन मैं मानता हूँ कि पहली सरकार है हमारी दिल्ली सरकार जो इतना देने के बाद भी कहीं से कहीं तक 1 रुपए के कर्जे में नहीं है। ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि है कि मतलब ये कि फ्री बांट दिया तो हम घाटे में जा रहे हैं तो हमें लोन लेना है। मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सरकार, देखिए आप 2.5 लाख करोड़ के आज कर्जे में है। दिल्ली सरकार इतना फ्री उपलब्ध कराने के बाद भी उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। और जैसे जैसे जनता के पास ये सब चीज़ें जाएंगी और जैसे जैसे जनता देखेगी कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन चल रहा है और इसमें आप देखिए कि मतलब जनताओं को लाभ भी मिल रहा है और कहीं कोई चीज़ पे एक्स्ट्रा कहीं कोई कर नहीं लादा जा रहा है, बल्कि आपके जो टैक्स आप दे रहे हैं वो घटाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाला समय जो है आम आदमी पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में उज्ज्वल है। और उज्ज्वल क्या मतलब, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि हम 2024 में हम मध्य प्रदेश में पंजाब और दिल्ली की तरह क्लीन स्वीप लगाने वाले हैं। महेंद्र जी, आप सुन पा रहे थे प्रदीप जी को, मैं चाहूंगी इस पर आपकी एक प्रतिक्रिया। जी प्रदीप जी ने जो भी कहा उस पर एक प्रतिक्रिया आपकी। आपकी बात कभी क्लियर नहीं होगी, मेरा बोल जाएगा क्या कह रहे हैं, कहना जा रहे हैं इस संदर्भ में। हेलो जी, महेंद्र जी आवाज आ रही है जी, क्या पूछ रहे हैं आप? जी मैं ये पूछना चाहते सर, चूंकि अब जनता ने एक बार फिर सिंगरौली को अपना विश्वास जताया, सिंगरौली पर कहीं ना कहीं जनता समर्थित रही है, उस पर विश्वास जताया है कि अब सिंगरौली में जो आम आदमी पार्टी बनी है, तो कहीं ना कहीं सिंगरौली में जो पार्टी आम आदमी की है, अब कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि विकास हो, बदलाव हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं वो आगे आए। सिंगरौली में जो प्रत्याशी जीता है वो जो इनके वादे है उस कसौटी पे खरा उतरेगा तो उसका मैसेज पूरे प्रदेश में जाएगा। उस प्रदेश का जो मैसेज जाएगा उसके ऊपर ही आगे की आम आदमी की पार्टी के ऊपर उनका भविष्य निर्धार करेगा, क्योंकि जनता ने एक विश्वास तो दिया हैगा कि सिंगरौली में रानी अग्रवाल को विजय किया हैगा। अब रानी अग्रवाल जनता के जो वादे किए उस पर कितना खड़े उतरती हैं उस पर आगे निर्भर करेगा, उसके ऊपर ही इनकी अभी मध्य प्रदेश में जो आगे कदम बढ़ेंगे इनके उसको देख के ही लोग आगे बढ़ेंगे जो है। बिल्कुल,
हालांकि जीत तो हासिल हो ही गई है सिंगरौली में आम आदमी पार्टी को, लेकिन जनता जितने विश्वास के साथ और जितने जल्दी ताज पहनाती है अगर किसी पार्टी को, तो जनता उसको उतारने में भी ज्यादा देर नहीं लगाती है, क्योंकि जब अगले चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं वो ताज एक बार फिर उतरता नजर आता है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार तो बन गई है, लेकिन उसे बरकरार रखने के लिए उन्हें अब मजबूती से काम करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे उनको बहुत मजबूती के साथ और इनके जो वादे हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। जनता को जो कहा है वो निश्चित इनको पूरा करना पड़ेगा, और वो वादे जब पूरे होंगे तो प्रदेश में उसकी खबर होगी कि सिंगरौली में निश्चित तौर पे टैक्स माफ किया हैगा, कमर्शियल टैक्स माफ किया है, उसके ऊपर ही सब वो वर्बल जो उनकी खबर जाएगी लोगों के बीच में, तो उसका प्रभाव तो निश्चित तौर पर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी काम करती है, अगर कहा है तो काम किया जाएगा, तो आगे का भविष्य इसी पे निर्भर करेगा। जो इनके प्रत्याशी जीत रहेंगे तो निश्चित कहीं ना कहीं जनता ने अपना विश्वास जाहिर किया है, तो आगे भी और भी विश्वास इन पे करेगी। आपको बता दें कि सागर में भी अब बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। दर्शकों को बता देते हैं कि जिस तरीके से मतगणना के परिणाम आते जा रहे हैं और तस्वीरें साफ होती जा रही हैं, और जिस तरीके से बुरहानपुर और सतना खंडवा में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली, इसी के साथ अब सागर का नाम भी जुड़ चुका है जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। लगातार बीजेपी की जीत देखी जा रही है। हालांकि इस बीच एक ऐसी भी खबर आई जहां पर सिंगरौली ने अपना परचम लहराया, आम आदमी पार्टी ने वहां पर परचम लहराया, और इसी बीच एक और खबर जहां पर सागर में भी अब बीजेपी की जीत हो गई है, बीजेपी जीत चुकी है। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं और उनका, आपको बता दें कि हमारी टीम लगातार बता रही है, आपको बता दें सिंगरौली नगर निगम से रानी जीती है, तो वहीं अगर हम बात करें सागर की, तो सागर में भी हालांकि बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, जिसके चलते जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था, चुनाव प्रचार किया जा रहा था, रोड शो किए जा रहे थे, उसके चलते अब लगातार ये जीत देखने को मिल रही है। जनता का विश्वास कहीं ना कहीं एक बार फिर बीजेपी पर नजर आ रहा है। हालांकि सभी ने पुरजोर कोशिश की, लगातार प्रचार प्रसार किया। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो उन्होंने पुरजोर प्रचार किया और मैदान में उतरे और उन प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं की, रोड शो किए, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं, कहीं पे अगर कांग्रेस जीत रही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी अभी तक अपना जो दबदबा था वो बरकरार रखा हुआ है, जिसके चलते अब चार जगहों पर, आपको बता दें कि बुरहानपुर, सतना, खंडवा और अब सतना के अलावा आपको बता दें सागर में भी अब बीजेपी ने अपने परचम लहरा दिए, वहां पर भी बीजेपी की जीत हुई है। सिंगरौली की हम बात कर रहे थे जहां पर आम आदमी पार्टी जीत चुकी है, तो वहीं इसके विपरीत एक बार फिर बीजेपी की जीत सामने आई है सागर से। भोपाल, इंदौर, जैन की बात करें तो बीजेपी आगे चल रही है, वहीं ग्वालियर, छिंदवाड़ा की बात करें तो वहां से भी बढ़त बनाए हुए हैं। छिंदवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी जीत चुकी है। एक और बड़ी खबर अब छिंदवाड़ा से एक खबर आ रही है जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली है। बता दें ये मतगणना जैसे जैसे खत्म होती जा रही है, वैसे वैसे ये तस्वीरें साफ होती जा रही हैं, और एक बार फिर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सामने आ रही थी, बीजेपी के प्रत्याशी लगातार सामने आ रहे हैं जीत हासिल करते हुए, तो वहीं अब छिंदवाड़ा में भी कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली है, लगातार ये तस्वीरें। चलिए, और इससे एक सवाल मैं अब सर से रख लेती हूँ। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है महेंद्र जी। महेंद्र जी, छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। निश्चित तौर पे अब कमलनाथ जी का क्षेत्र है तो कांग्रेस जीतेगी ही जाएगा, कमलनाथ जी का अपना नेटवर्क है वहां पे, तो निश्चित तौर पे, और सत्ता के सब जगह जो है सत्ता के साथ तो बहुत लोग रहते हैंगे, और छिंदवाड़ा में निश्चित तौर पे कमलनाथ जी का प्रयास है कि वहाँ कांग्रेस आई जो है, और प्रयास तो कांग्रेस ने बहुत किए हैंगे और प्रत्याशी भी दिए जो है, लेकिन सत्ता के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। सत्ता जहाँ जिसके साथ होती है तो लोग भी उसका रुझान होता है कि वो चाहता है कि सत्ता जिसकी है उसका अगर महापौर होगा, उसके जो पार्षद होंगे, तो हमारे शहर का विकास उस अच्छा होगा ही होगा। जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां लगातार जीत का दावा करते आई हैं, हम मतगणना के पहले की बात करें या चुनाव प्रचार की बात करें, हर समय दोनों ही पार्टियों ने अपनी जीत दावा किया है, और अब वो जीत कहीं ना कहीं नजर आ रही है, कहीं कांग्रेस जीत रही है तो कहीं बीजेपी। जी,
बिल्कुल अब तो रुझान बहुत सारे क्लियर हुए जा रहे हैं, क्योंकि अब तो समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो निश्चित बहुत सारे रुझान आपके पास आ चुके होंगे कि कहाँ कहाँ पे बढ़त बनाए हुए है बीजेपी, कहाँ कांग्रेस बढ़ाई हुई, उससे अंदाज लगा सकता है कि कितने जगह पे अपन कांग्रेस बढ़ रही है और किस जगह पे बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो उसी हिसाब से रुझान बहुत अच्छे आ रहे होंगे जो है, क्योंकि मेरे कई दौर हो गए होंगे जो है अभी तक। चलिए दर्शकों को बता देते हैं कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। बता दें 2600 वोटों से कांग्रेस ने छिंदवाड़ा में जीत हासिल करी है। कांग्रेस प्रत्याशी जीत गए हैं छिंदवाड़ा से। आपको बता दें कि विक्रम अहाके जो कि कांग्रेस की तरफ से छिंदवाड़ा प्रत्याशी थे, जिन्होंने जीत हासिल कर ली है। और अब सिंगरौली की बात कर लेते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। वहां पर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने अपना एक झंडा लहराया है। देखा जाए तो जिस तरीके से प्रदेश में एक अपनी पहचान बनाई और कहीं ना कहीं अपनी साख मजबूत करी है। हम उनसे ही जान लेते हैं। सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप जी। प्रदीप जी, बड़ी कामयाबी ये आम आदमी पार्टी के लिए। अगर हम बात करें आगे की, तो आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी आम आदमी पार्टी की? देखिए, आम आदमी पार्टी जो भी वादे जहाँ जहाँ किए हैं, दिल्ली में जो भी वादे जनता से किए हैं, उसको पूरा किया है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि सिंगरौली की जनता ने हम पे भरोसा किया है, तो हम उनके पूरे वादे जो हमने उनसे किए हैं उसको हम पूरा करें कैसे भी करके। और जब जैसे जैसे जनता का विश्वास हमारे ऊपर बढ़ेगा, तो वो वही चीज़ है कि जब आप किसी का काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे और आपके प्रति जनता का विश्वास बढ़ेगा, आप भ्रष्टाचार मुक्त होकर काम करेंगे, तो निश्चित तौर वाली बात है कि आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हालांकि अभी जो प्रयास हुए हैं, जैसे जिस तरीके के भोपाल में प्रयास हुए थे वोटर लिस्टों से छेड़खानी करके उसको इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट किया है, शायद अगर ये इस तरीके से नहीं होता काम, तो भोपाल में भी हमारे 4 से 5 पार्षद आने की पूरी पूरी उम्मीद थी। बिल्कुल, जिस तरीके से ये जीत आम आदमी पार्टी के लिए और जिस अब जीत हासिल हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अब कहना चाहिए उनकी जो कहना चाहिए जो काम है वो भी और ज्यादा बढ़ गया। अब उनकी कार्यशैली वो भी कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब अपने जो अपना दबदबा है वो बरकरार रखना है, उसके चलते जो वादे किए गए हैं वो सारे करने हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी अब तैयार रहना पड़ेगा। देखिए कांति जी, वादे पूरे करने में आम आदमी पार्टी कहीं से कहीं तक कहीं पीछे नहीं है। अब आप देखिए कि मतलब ईमानदारी की जो अगर हम बात करने की बात करते हैं आपसे, आप देखिए पंजाब में हमारे मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने उठा के सीधे उनके जो है हेल्थ मिनिस्टर विजय संगला को जेल भिजवा दिया 1% कमीशन के चक्कर में, ठीक है। दूसरी चीज आप लेके आइए तो दो वहां जो है डीएसपी डीआईजी जैसे बड़े बड़े अधिकारियों को उन्हें गिरफ्तार करवा दिया, सिर्फ इसलिए कि वो ड्रग्स दलाली कर रहे थे, ड्रग्स से पैसे कमा रहे थे, रिश्वत ले रहे थे। तो अगर हम कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, तो हमने उसकी रूपरेखा तय करना शुरू कर दी और वो सामने आपके उदाहरण आ गए। आज तक की इतिहास में आप देख लीजिए कितनी सरकारें कांग्रेस की, कितनी सरकार रही, कितनी बार भाजपा सरकार रही है, लेकिन क्या इन लोगों ने कहीं किसी भ्रष्टाचारी को जेल भेजने की कोशिश की? ये आम आदमी पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है, आम लोगों के लिए काम करेगी, भ्रष्टाचार मुक्त होकर काम करेगी और जो वादा करेगी उसे पूरा करने के हर तरीके के प्रयास करेगी। और ये हम कह सकते हैं आपसे, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत आगे पीछे होके काम हो सकता है, लेकिन जो वादा आम आदमी ने पार्टी ने किया है उस काम को पूरा करके दिखाया है। चाहे दिल्ली में पानी फ्री देने की जो बात की थी वो पानी फ्री दिया, दिल्ली में बिजली फ्री देने की बात की थी वो फ्री दी, पंजाब में बिजली फ्री देने की बात की थी वो भी वहां भी फ्री दी। तो जो हम कह रहे हैं जनता से, जो वादा हम कर रहे हैं, उसको हम हर तरीके से पूरा कर रहे हैं। और ये इसके लिए जीता जागता उदाहरण आज हमारे दो प्रदेशों की सरकार, इन्हें आप देख लीजिए कि वहां जो है जीरो टॉलरेंट, जीरो भ्रष्टाचार पे काम कर रही है। और मध्यप्रदेश सरकार में कितने अधिकारी हैं और कितने कर्मचारी हैं सारे जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आए दिन देखिए लोकायुक्त जो है 2-2, 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए की रिश्वत लेने वालों को गिरफ्तार करता है, और ISIPS को अगर ये इन पे हाथ अगर लोकायुक्त हमारा डालना शुरू कर दे, तो शायद मध्यप्रदेश शासन का जितना कर्जा है वो पूरा का पूरा वैसे ही माफ हो जाएगा, उससे ज्यादा पैसा ये कलेक्ट कर लेंगे और कर्जा इनको लेने की आगे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना भ्रष्टाचार आज हमारे मध्य प्रदेश में है शिवराज जी के शासन में। मैं आपको यह अभी बीच में रोकना चाहूंगी। हमारे साथ सिंगरौली से जुड़े हुए हैं नरेंद्र मिश्रा, जो कि चुनाव प्रचारक हैं, प्रत्याशी जो रानी है उनके, उनसे ही चर्चा कर लेते हैं। बहुत स्वागत आपका। मैडम, मैं चैनल का, मैं भारत
जी, मैं भारत की खबर चैनल का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश में आपका चैनल 365 में चल रहा है और इससे जनता जनार्दन बहुत जागृत होती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि दिनांक 3 जुलाई को 2022 को माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब सिंगरौली आए थे और उन्होंने एक ही चीज मांगा था जनता से कि एक बार मुझे मौका दें और यदि मैं 5 साल काम करके नहीं दिखाता, जैसे दिल्ली जैसे शहर नहीं बना देता सिंगरौली को, तो आप मुझे धुक्कार दीजिएगा। तो उसका जनता ने उनके माननीय केजरीवाल जी के आवाज को सुना और उनको तालियों से स्वागत किया और कहा कि मैं इस बार बदलाव लाऊंगा। तो मध्य प्रदेश के इतिहास में पहला है कि सिंगरौली जिला महापौर प्रत्याशी आम आदमी पार्टी का श्रीमती रानी अग्रवाल 9,500 वोट से जीती। और यहाँ की जनता मैं बताना चाहूंगा कि जो महापौर प्रत्याशी हैं, एक बहुत कर्मठ, संघर्षशील, शिक्षित, अनुभवी, मिलनसार एवं सभी के दुख सुख के साथ खड़े रहने वाली प्रत्याशी हैं। और भविष्य में मैं तो ये कहूंगा कि रानी अग्रवाल जी अब मध्य प्रदेश की भव्य के सीएम के रूप में लोग देखेंगे इनको। और ये जो इनका वचन पत्र है उसका वो पालन करेंगी और वचन पत्र इतना बेहतरीन बनाया है जैसे माननीय केजरीवाल साहब दिल्ली में वचन पत्र बनाया था उसी का रूप उन्होंने सिंगरौली में दिया है और फिर धीरे धीरे पूरे 52 जिले में ये इनका वचन पत्र प्रभावशील होगा। मैं इतने कहना चाहूंगा और ये पहला जनता ने इनको मौका दिया काम करने का सिंगरौली से। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरी जनता की जीत है, सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र की जनता की जीत है, रानी अग्रवाल की जीत नहीं है, ये जनता ने बदलाव लाया है। और निश्चित है कि एक केजरीवाल साहब की सरकार जो है दिल्ली में ईमानदारी से काम कर रही है और बिजली पानी फ्री कर दिया है। उसी तरह से सिंगरौली में जो टैक्स लग रहा है, सबसे अधिक प्रदूषण यहाँ है, तो इनके वचन पत्र में कि प्रदूषण को पहला प्राथमिकता देगी सिंगरौली में। और यहाँ जो आम जनता के लिए इतना टैक्स लग रहा है, एक एनओसी लेने के लिए, घर बनाने के लिए सिंगरौली में 20,000 रुपए लिया जाता है सुविधा शुल्क, वो रानी अग्रवाल जी के आने पर, आम आदमी पार्टी के आने पर ये बंद हो जाएगा और भ्रष्टाचार में कमी आएगी निश्चित है। तो मैं ये चाहूंगा कि खबर भारत चैनल जो हमारा मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित है, मैं उसको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये भ्रष्टाचार को उजागर करने में एक अहम मुद्दा बना उठाया है और ये चैनल से हम लोग बहुत प्रभावित हैं देख करके 365 चैनल को। तो मैं चैनल को के एमडी को और उनके पूरे अधिकारी कर्मचारी को, मैनेजर को धन्यवाद दूंगा और मैं आशा करूंगा कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से सिंगरौली से प्रारंभ की है और जैसे मैहर में 565 सीढ़ी दर्शन करने के लिए मैहर देवी का लोग जाते हैं, तो पहली सीढ़ी ये सिंगरौली से प्रारंभ हो रही है, पूरे 52 जिलों में प्रभाव जमाएगी। मैं इसी आशा विश्वास के साथ पुनः चैनल को धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल जी, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको जीत के लिए। तो आपने देखा कि जिस तरीके से सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है और सीधे तौर पर जिस तरीके से अब उनकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं जब जनता ने उन्हें एक बार विश्वास जताया। चलिए और अब हम सागर से बड़ी खबर आ रही है, सागर की ओर चलते हैं जहां पर संगीता जो कि आपको बता दें कांग्रेस प्रत्याशी है, उन्होंने जीत हार गई है वो वहां से और बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। भाजपा प्रत्याशी 12,685 वोट से जीती है, कांग्रेस की निधि जैन को हराया है उन्होंने। भाजपा प्रत्याशी संगीता तिवारी जीती हैं, आपको बता दें 12,685 वोट से वो जीती हैं। कांग्रेस की नीति जैन को उन्होंने हराया है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सागर से जहां पर भाजपा प्रत्याशी ने हरा दिया है कांग्रेस को एक बार फिर। निधि जैन को उन्होंने हराया, आपको बता दें 12,665 वोटों से उन्होंने हरा दिया है। भाजपा प्रत्याशी संगीता तिवारी ने एक बार फिर अपना दबदबा वहां पे रखा हुआ, आपको बता दें कि उन्होंने अपनी
जीत हासिल कर ली है, कहीं ना कहीं भाजपा को एक और जीत। जिस तरीके से सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार भाजपा के प्रत्याशी जीत कर हासिल करते आ रहे हैं, और अब सागर से ये बड़ी खबर जहां पर 12,665 वोटों से भाजपा को जीत हासिल हुई है। चलिए और सीधे स्टूडियो की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं और उसी के साथ साथ हमारे साथ बने हुए हैं आम आदमी पार्टी के प्रदीप खंडेलवाल। तो हम सबसे पहले बात करते हैं महेंद्र शर्मा जी से, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। महेंद्र जी, जिस तरीके से एक बार फिर सागर से ये खबर आ रही जहाँ पर बीजेपी ने एक बार फिर अपना परचम लहरा दिया और जीत हासिल कर ली है। निश्चित तौर पर सागर से बीजेपी की जीत होना निश्चित थी, क्योंकि वहाँ सागर से 3-3 मंत्री आएंगे, तो इसका प्रभाव अगर सागर से नहीं जीती तो इसका प्रभाव प्रदेश पे गलत जाता। तो सभी ने बड़ी मेहनत करी जो है वहाँ पे, इस वजह से उनकी जीत सुनिश्चित हुई है। लेकिन निधि जैन ने भी टक्कर काफी दी जो है, क्योंकि उनकी भी उम्मीद बहुत की जा रही थी सागर से, लेकिन जीत हार का फैसला तो जब परिणाम आता तभी आता है। तो निश्चित तौर पे सागर में भाजपा प्रत्याशी का जीतना निश्चित था, क्योंकि वहां से कद्दावर नेता बीजेपी के पदों पर रहेंगे, मंत्री रहेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही थी और कहीं ना कहीं अब वो नतीजे जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, अब धीरे धीरे वो नतीजे भी सामने आते जा रहे हैं। और नतीजों में कहीं ना कहीं कहीं अगर कांग्रेस की बढ़त देखने को मिल रही है तो कहीं बीजेपी, और अब तो देखा जाए तो प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने भी अपना परचम लहरा दिया है। सभी की जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं बढ़ गई हैं, क्योंकि अब जनता कहीं विकास चाहती है तो कहीं बदलाव चाहती है। इसके चलते अपना अपने प्रत्याशी को, अपने चहेतों को, और अपने कहना चाहिए विकास को अब जनता चुन रही है। निश्चित तौर पर जनता को विकास चाहिए, जनता के संग जो महंगाई की बात है उस पर महंगाई पे बात होना चाहिए, बेरोजगारी पे बात होना चाहिए। तो आज का मतदाता भी सब समझता है कि क्या करना चाहिए, तो वो इन सब चीजों के साथ सत्ता का साथ भी देना चाहती है कि उसका विकास, शहर का विकास, जहाँ सत्ता होगी वहाँ उसका विकास ज्यादा होगी, तो उसका भी निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, लगातार सभी पार्टियां अब उनकी नजर बनी हुई है। और अब अगर हम बात करें कि अब तक भोपाल की अगर बात कर लें तो कितने प्रतिशत, अगर मतगणना बोले कितने चरणों की मतगणना अब तक हो चुकी है? अब अभी तो जो खबर थी मेरे पास कि नरेला और 2-3 क्षेत्र में बीजेपी की बढ़त चल रही थी, उत्तर और मध्य भी शायद चल की पोजीशन मालूम नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा वहाँ का भी रुझान मेरे पास आया नहीं। लेकिन अभी नरेला और उससे जो मैं गोविंदपुरा क्षेत्र चल रहा था उसमें बीजेपी की बढ़त चल रही थी। बिल्कुल, लगातार ये जीत एक कहीं बीजेपी की नजर आ रही है तो कहीं कांग्रेस की, तो कहीं आम आदमी पार्टी ने अब अपना कहना चाहिए एक अपनी ही पार्टी का एक नाम ऐड कर दिया है, एक नाम जोड़ दिया है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखी जा रही थी, अब कहीं ना कहीं ये टक्कर सामने भी आती जा रही है। अब जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि सागर में अब बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, और इसी के साथ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी कांग्रेस में वहां पर उनके प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। लगातार ये खबरें, ये तस्वीरें हम आप तक भेज रहे हैं, आप तक साझा कर रहे हैं। हमारे जो टीम है लगातार हमें अपडेट करती जा रही है, जिसके जरिए ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह की तस्वीरें, किस तरह के रुझान, किस तरह की मतगणना के दौरान क्या कुछ अपडेट आ रहा है। ये सारी तस्वीरें हम अपनी टीम के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, प्रदीप जी आपसे भी एक सवाल रख लेती हूँ मैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने तो परचम लहराया ही है, वहीं सागर में अगर बात करें तो बीजेपी ने भी अपना कहीं ना कहीं परचम लहरा दिया है, क्या बोलेंगे आप इस पर? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि आम आदमी पार्टी का ये पहला चुनाव था, और पहले चुनाव में अगर हम सिंगरौली से क्लियर होके आ गए हैं और जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि हमें मध्य प्रदेश की जनता को, सबको ये बताने की आवश्यकता है कि हमारी दिल्ली सरकार क्या कर रही है और हमारे किस टाइप के जो है जनहितैषी कार्य हैं, और वो जैसे जैसे धीरे धीरे हम उनमें पहुँचाने में कामयाब होंगे तो आने वाला समय हमारा है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है, जो कह रही है उसने करके दिखाया है, और अभी मतलब सबसे बड़ी चीज़ तो हम एक चीज़
साफ करना चाहता हूं मैं कि जीरो टॉलरेंट की नीति पे अगर कोई भारत में कोई सरकार अगर काम कर रही है तो वो सिर्फ दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। बिना भ्रष्टाचार के काम कर रही है वो दिल्ली सरकार है, पंजाब सरकार है, जो जनता को मैक्सिमम लाभ पहुंचाने की स्थिति में है। देखिए सबसे बड़ी चीज एजुकेशन है। दिल्ली के स्कूलों आप जाके देखिए, आपकी 5-स्टार क्वालिटी के स्कूल बने हुए हैं और एजुकेशन पूरी फ्री है। तो वहाँ की सिचुएशन जब, और अगर इसी चीज को लेके मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो आप स्मार्ट सिटी जो मध्य प्रदेश में भोपाल शहर में बन रही है, इसमें 6 सरकारी स्कूल हुआ करते थे जो कि आज की डेट में नदारद हैं। और इसके संबंध में मैंने नीचे से ऊपर तक राष्ट्रपति से लेकर धर्मेंद्र प्रधान जी को और यहाँ सबको अवगत कराया, मेल डाले, जिसमें मैंने कहा कि भाई ये 6 स्कूल थे 50,000 की आबादी में, आज आप 3 लाख की आबादी करने जा रहे हैं, यहाँ जो है कितने स्कूल आप खोलेंगे। उसका जवाब जो है धर्मेंद्र प्रधान जी के यहाँ से आया कि इसको जो है हमने पीएस को भेज दिया है मेल को। और मजेदार चीज ये है कि पीएस से जब बात की कि भाई आपके यहाँ जो ये हमारा मेल आया होगा, धर्मेंद्र प्रधान जी ने चूंकि दिल्ली से हमारे साथ आप नेता जुड़ चुके हैं, आपको बता दें अनूप पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि अनूप जी बहुत स्वागत खबर भारत में आपका। नमस्कार, नमस्कार आपको। जी अनूप जी, सिंगरौली में बड़ी जीत हासिल की है आम आदमी पार्टी ने। जी सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है सर, इसके लिए पूरे सिंगरौली की जनता को और मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बहुत शुभकामना हासिल कराई कि कम से कम केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं, जनहितकारी नीतियां हैं, बिजली से पानी से जो उनका काम है उसका प्रकाश पूरे देश में जा रहा है। अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो लोग हैं हमारे भारतवासी वो परेशान हैं महंगाई से, बेरोजगारी से। इस संदर्भ में लोगों का एक बहुत बढ़िया माहौल बन रहा है पूरे देश में, आम आदमी पार्टी को लेकर के एक गंभीरता है और उस गंभीरता के प्रति सिंगरौली की जनता ने सोचा है। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का परचम मध्य प्रदेश में भी लहराएगा और यहाँ की जनता को वह सुविधाएं मिलेंगी जो आजादी के 70-80 साल बाद भी नहीं मिल पाया। बिल्कुल है, जिस तरीके से जनता ने विश्वास जगाया है तो कहीं ना कहीं अब आपकी जो जिम्मेदारियां हैं कहीं और बढ़ जाती हैं जनता के प्रति। जिस तरीके से दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, मध्य प्रदेश जो नगर निगम और नगर पालिका होता है उसमें हम सिंगरौली में जीते हैं, हम काम करके दिखाएंगे। हम देखते हैं कि इतना भ्रष्टाचार होता है नगर निगम में, नगर पालिकाओं में सारा पैसा जनता के लिए आता है साफ सफाई का, उतने ही हम मदद करेंगे शीघ्रम को मदद करें। और एक ईमानदारी का मॉडल, एक रास्ता साबित शीघ्रवली बनेगा और वहाँ बहुत सारी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो मिलेंगी, मैं आशा करता हूँ। जिस तरीके से बीच बीच में ये बातें निकल कर आ रही थी कहीं ना कहीं कि मतगणना के दौरान गड़बड़ी हो सकती है, और अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तो उन्होंने भी इस तरह के आरोप लगाए थे कि गड़बड़ी हो सकती है मतगणना के दौरान, कितने संतुष्ट हैं आप इस बात से? देखिए क्या है, अभी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है नारायण त्रिपाठी जो मैहर के विधायक है, उन्होंने खुद सरकार के ऊपर आरोप लगाया था कि जो सरकारी कर्मचारी है कहीं ना कहीं से गलत काम कर रहे हैं, भाजपा को वोट मांग रहे हैं। अगर निष्पक्षता से चुनाव हो जाता तो मैं आशा करता हूँ कि आम आदमी पार्टी के और भी लोग जीत के आए होते, और ये चुनाव एक तरीके से कहा जाएगा ये सरकारी चुनाव हो गया था, फिर भी जितना गलत करना था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उतना किया, लेकिन हमारे जो वर्कर हैं, हमारे जो मतदाता हैं, उन लोगों ने सिंगरौली में सूरजपुर का परिचय दिया, और भी जगह भी हमको जगह मिलती लेकिन बेईमानी के कारण हम लोग कई जगह चुनाव हार गए, इसकी मैं कटु निंदा करता हूं और इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। पूरे देश के लोगों ने देखा भाजपा ने किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर अपने कर्मचारियों को भाजपा का एजेंट बना करके पेश किया, जो थानों के इंचार्ज थे, जो कर्मचारी थे उनके ऊपर भारी दबाव आया, और ये दबाव नहीं होना चाहिए। अच्छा लोकतंत्र तभी होगा जब निष्पक्ष चुनाव होगा, जनता निष्पक्षता के साथ वोट करेगी और सरकार निष्पक्षता लाएगी।
बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली से आप नेता, जिन्होंने बताया कि हालांकि उन्होंने कहा कि सिंगरौली में जीत हासिल हुई है और अब जो जनता के मुद्दे हैं, जनता के विकास के मुद्दे हैं, उस पर फोकस किया जाएगा और उनका जो विश्वास है उस पर खरा उतरा जाएगा। उसके लिए तमाम कोशिशें पहले भी की जाती रही हैं और दिल्ली में देखा जाए तो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहाँ पर जो जनता की सुविधाएँ हैं वहाँ पर जनता की सुविधाएँ, जनता के विकास को लेकर काम किया जा रहा है। और उनका मतगणना पर जो गड़बड़ी को लेकर जो विचार सामने आ रहे थे, जो कहा जा रहा था कि गड़बड़ी देखने को मिल सकती है, उन पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने संदेह जताया है। उनका कहना है कि मतगणना के दौरान कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। और हम सीधे स्टूडियो चलते हैं, हमारे साथ आप जो नेता हैं वो जुड़े हुए हैं, प्रदीप, उनसे ही जान लेते हैं। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली से आप नेता, जिनका कहना है कि मतगणना जब हुई थी, जो मतगणना के दौरान गड़बड़ी की बात की जा रही थी, कहीं ना कहीं उस बात से वो संतुष्ट नहीं है। नहीं देखिए, मतगणना के तो कहानी बिल्कुल साफ होती है, जो गड़बड़ियां होती हैं वो मतगणना से पहले ही हो जाती हैं। अब पहले की गड़बड़ी कैसे होती है, जैसे आपने देखिए यूट्यूब पे भी खोलिए, कई आपको जो है ईवीएम में छेड़खानी के आपको सिस्टम दिखेंगे। तो हमारा कहना इसमें यह है कि इस सिस्टम को पारदर्शिता लाने के लिए चुनाव आयोग ने वीवीपैट की व्यवस्था चालू की थी, लेकिन इस चुनाव में वीवीपैट गायब रहा, जिसमें जो भी मतदाता वोट डालने जाता था उसे सामने दिखता था कि उसने वोट किसको दिया है, वो झाड़ू को दे रहा है, कमल को दे रहा है, पंजे को दे रहा है या अन्य को दे रहा है या नोटा को दे रहा है, ये उसको सामने दिखाई देता था। और जो कैंडिडेट्स होते थे या उनके जो अभिकर्ता होते थे उनके पास एक ऑप्शन होता था कि उन्हें ये समझ में जब आने लगता था कि इस क्षेत्र में हमारी वोटिंग ज्यादा हुई है और ये हमें जो है मशीन गड़बड़ दिखा रही है, ईवीएम मशीन गड़बड़ दिखा रही है, तो चैलेंज करके उसको जो है वीवीपैट की पर्ची से मिलान करवाया जा सकता था। तो ये सुविधा इस बार जो है सरकार ने क्यों छीनी, इसके सबसे बड़े प्रश्न चिन्ह चुनाव आयोग पे लग रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से वोटर लिस्टों में गड़बड़ी हुई है, यहाँ का मतदाता वहां, वहां का मतदाता वहां, वहां का मतदाता वहां, और लोग वोट नहीं डाल पाए, तो इसके पीछे मंशा क्या थी? तो ये सबसे बड़ी चीज, गड़बड़ियां तो जो है चुनाव होने से शुरू होने से पहले ही इनने करना शुरू कर दी थी। आधे से ज्यादा मतदाताओं को इधर से उधर फेंक दिया, कईयों के लिस्टों में से नाम काट दिए, कई लोग गायब हो गए, कई लोग जो है बेचारे वोट डालने गए, उनके वोटर लिस्ट में नाम थे, वो बूथ दर बूथ भटकते रहे। तो चुनाव आयोग ने ऐसी कोई व्यवस्था इनकी नहीं की कि ये तरीके से अपने वोट डाल पाते। अगर शायद तरीके से मतदान होता तो भोपाल शहर में भी आज 70% 80% के आसपास मतदान होता, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है सरकार की मिलीभगत और चुनाव आयोग की मिलीभगत के चलते हुए ये हुआ है। और खास तौर पे जो वीवीपैट है, मैं आपसे दोबारा बार बार इस प्रश्न को मैं उठाऊंगा, इसके संबंध में मैंने शिकायत भी की है वीवीपैट के लिए कि ये वीवीपैट क्यों इस बार नहीं लगाए गए, जबकि चाहते तो ये आपका सेंट्रल जो निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग जो है उससे ले सकता था कि हमें 10 वीवीपैट 20 वीवीपैट दे दीजिए, हमें इसको मशीन में लगाना। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की और सरकार की पूरे मतदान में गड़बड़ी करने की मंशा थी, इसके चलते हुए वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं किया गया, जो अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। अब रहा सवाल दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी होना, तो काउंटिंग के दौरान गड़बड़ियां, देखिए जो ईवीएम मशीन है जो पहले ही गड़बड़ी हो चुकी है उसको बाद में गड़बड़ करके आपको क्या जरूरत है, आपको तो रिजल्ट देना है। हाँ, गड़बड़ी कर सकते हैं आप, गड़बड़ी होती है डाक मतपत्रों में, जिसमें जो है थोड़ा बहुत टप्पा इधर उधर लग गया तो वो इसका वोट उसको डालना, उसका वोट उसको डालना, और ये काम तो शुरू से सरकार के रहे हैं कि जिसको जिताना होता है उसकी साइड में 2-4-5। मैं बीच में आपको रोकना चाहती हूँ, ये तस्वीर है, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सिंगरौली की, जहाँ पर जीत के बाद वहाँ पर सिंगरौली से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीधे न्यूज रूम से स्क्रीन पर सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खुशी मनाई जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा, और ये जश्न का माहौल सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां जश्न मनाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही है, लोग नाच गाकर इसका उत्साह मना रहे हैं, जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं।
आपको बता दें कि जो सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं रानी अग्रवाल, जिन्होंने जीत हासिल करी है, जिसके बाद ये जश्न, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिंगरौली से, जहां पर जश्न का जो माहौल है वो नजर आ रहा है, किस तरीके से लोग वहां झूमते नाचते नजर आ रहे हैं, तस्वीरों में सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से रानी अग्रवाल ने बीजेपी के चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा को और इसी के साथ कांग्रेस के अरविंद चंदेले को हरा दिया है और अपनी जीत हासिल की है, जिसके बाद ये जश्न मनाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें चलिए सीधे न्यूज रूम में चलते हैं, जहां हम बात कर रहे थे प्रदीप जी से, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जिनसे हम जान रहे थे कि जो निर्वाचन आयोग है, जिन पर वो भी कह रहे थे कि उनकी जो कहना चाहिए पारदर्शिता है या उनकी जो कार्य प्रणाली रही है मतगणना को लेकर, वो उस बात से संतुष्ट नहीं है। जी प्रदीप जी, देखिए शुरू से जो है वीवीपैट पे आरोप, ये इस पे आपका ईवीएम मशीनों पे आरोप लगते चले आए थे, और कई आप देख लीजिए यूट्यूब पे भी कई वीडियो वायरल पड़े हुए हैं किस तरीके से छेड़ की जा सकती है ईवीएम मशीनों में, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है। देखिए वीवीपैट एकमात्र उसका एक जरिया था कि जो ये दिखाता था कि वोट किसको डला है, कि आपने कौन सा बटन दबाया, 1 2 3 4 5 में कौन सा बटन दबाया, वो पर्ची उसके अंदर गिर जाती थी। लेकिन जिस तरीके से वीवीपैट को गायब किया गया, ये एक सॉफ्टवेयर है, आप मोबाइल भी यूज़ करते हैं, आप पेफोन और कई जो है अन्य सॉफ्टवेयर जो पैसा ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में छेड़खानी करने के लिए कितनी देर लगेगी आपको? आपने मान लीजिए शुरू में आपने 100 वोट या 150 वोट सेट कर दिए कि ये जो है एज इट इज़ डलेंगे, उसके बाद जो है पर दूसरा वोट पर तीसरा वोट जो है भाजपा कांग्रेस को जिसको चाहिए उसको आप शिफ्ट कर दीजिए, सॉफ्टवेयर में सब कुछ संभव है। इसलिए मेरा आरोप लगाना मिथ्या नहीं है, मेरा तो साफ शब्दों में ये था कि जिस तरीके से आप चुनाव कराते आ रहे थे और जो पारदर्शिता हमें चाहिए थी, पारदर्शिता एकमात्र वीवीपैट था जिसको आपने इस चुनाव में हटाया। दूसरा सबसे बड़ा जो संदेह का कारण बनता है, वोटर अपना वोट नहीं डाल पाया, आपने वोट मतदाता को अपने मतों का प्रयोग नहीं करने दिया, जिसकी शिकायत हम ऑलरेडी निर्वाचन आयोग को कर भी चुके थे, लेकिन उसके बाद भी अब उस पर क्या कार्रवाई होती है आगे वो देखना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से वीवीपैट गायब किया गया है वो कहीं ना कहीं जो है छलावा करने के लिए किया गया है, तो इससे मैं तो यही हर बार मेरा यही रहेगा कि कहीं ना कहीं जो है ये संदिग्ध भूमिका है इसमें। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हम जो भी चर्चाएं हैं जारी रखेंगे और जानेंगे कि कहां पर कौन सी पार्टी को जीत मिल रही है और कौन सी पार्टी को करना पड़ रहा है हार का सामना। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा खबर भारत के साथ।